आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। दतिया जिले के थाना पंडोखर ग्राम भैप्ता गांव के सुमित जाटव इस समय दिल्ली में फंसे हुए हैं और 1 मई 2020 को दिल्ली के सिविल हॉस्पिटल में सुमित जाटव की बेटी की इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। जिसके बाद जब सुमित जाटव ने सिविल हॉस्पिटल में संपर्क किया तो डॉक्टरों ने उनकी बेटी मृत बताई, लेकिन अब तक सुमित जाटव को बेटी नहीं दी गई। ऐसे में सुमित जाटव ने दिल्ली सरकार से फरियाद की है कि उनकी बेटी यदि मर चुकी है तो उनको तत्काल उसकी बॉडी दे दी जाए, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में सुमित जाटव की फरियाद कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपकी जन अदालत न्यूज पर दिल्ली से सुमित जाटव ने दतिया कलेक्टर एवं प्रशासन से मांग की है कि तत्काल ही दिल्ली के सिविल हॉस्पिटल में मेरी बेटी की बॉडी उसको दे दी जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने आपकी जन अदालत नीच पर फरियाद की है। आइए सुनते हैं सुमित जाटव ने क्या कुछ कहा है। मेरा राजा भैया पाल से निवेदन है, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही हो कृपया करके मेरी मदद करें। श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी, श्रीमान कलेक्टर महोदय दतिया, मेरी मदद करें। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मेरी बच्ची 1 मई को एक्सपायर हो गई थी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, ना कोई जांच, ना कोई देखभाल हो रही है। मेरी बच्ची ना हमको पता है कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है कि फेंक दी है, ना कोई प्लस प्रशासन कोई मदद कर रही है, ना मेरे लिए खाने पीने के लिए कुछ है। मैं 2 महीने से यहाँ फंसा हूँ, ना मेरी बच्ची का बॉडी का पता है, ना मैं गांव जा रहा ना जा पा रहा हूँ। कृपया मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही हो तो मेरी मदद करें। सभी दर्शकों से अपील है कि आपकी जन अदालत न्यूज आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी जन अदालत न्यूज आपकी आवाज उठाने का काम कर रहा है। एक पत्रकार होने के नाते मैं आपकी आवाज उठा सकता हूँ, लेकिन सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार आपकी मदद कर रही है और उन योजनाओं को आपको घर तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। आपको यदि आप बार बार यही कॉल किया जा रहा है कि हम बाहर फंसे हैं कैसे मदद मिले, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश किया है कि वो यदि वो ग्राम पंचायत में हैं तो अपने स्थानीय सचिव और सरपंच से संपर्क करें, सर्वे सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। कितने लोग आप इस समय बाहर फंसे हुए हैं उन सभी की सूची आप अपने स्थानीय सचिव और सरपंच को दें। यदि सचिव और सरपंच आपकी आवाज़ अनसुनी कर रहे हैं तो वो आवाज़ आप हम तक पहुंचाएं। हमारा चैनल वचनबद्ध है कि आपके साथ खड़ा रहेगा, सरपंच और सचिव की आवाज़ को कलेक्टर तक पहुंचाएंगे यदि वो अनसुनी आपकी कर रहे हैं। और जो नगरीय निकाय में जो लोग हमारे निवास करते हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं, वो अपने स्थानीय नगरपालिका और CMO या अध्यक्ष या नगरीय निकाय ऑफिस में जा कर के सर्वे सूची में अपना नाम दर्ज करा दीजिए ताकि जो है आपकी प्रोसेस शुरू की जा सके। मेरा आप सभी आपके जनता दल न्यूज़ के दर्शकों से निवेदन है कि यह चैनल आपके साथ है। गरीब पिछड़े जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं उनकी आवाज़ लगातार
आपकी आवाज़ पहुंचा रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और यदि आप पहले से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को ईमानदारी के साथ पहुंचा सकें। तो चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे जो हमारे नए सदस्य हैं वो चैनल को सब्सक्राइब पर क्लिक करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अभिषेक कुमार।